हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना और भारत चीन सीमा विवाद, इसके बाद कांग्रेस अब मोदी सरकार को तेल की कीमतों को लेकर घेरने में जुट गई। कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक तमाम कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि साठगांठ वाले पूंजीपतियों के तोहफे के लिए मध्य वर्ग और गरीबों को भुगतान करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा होने के बावजूद पेट्रोल की कीमत करीब ₹71 प्रति लीटर, जबकि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल पर आ गई, लेकिन पेट्रोल ₹76 प्रति लीटर बिक रहा। राहुल गांधी के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, मध्य वर्ग की जेब पर हो रहा वार, पेट्रोल डीजल में लूट रही भाजपा सरकार, शर्म करो लुटेरी सरकार। प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी वाला ही ग्राफ शेयर किया। पेट्रोल डीजल के रेट बार बार बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर सरकार सच में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो उनके रास्ते में आर्थिक रुकावटें पैदा ना करें। इसके साथ ही सरकार पर आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर तक गिरने के बावजूद 6 सालों में लोगों को इसका लाभ कभी नहीं दिया गया। बता दें, इंडियन बास्केट क्रूड की कीमत $35 प्रति बैरल के करीब आ गई, इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल जहां ₹76.73 प्रति लीटर, तो वहीं डीजल ₹75.19 प्रति लीटर बिक रहा है।